दिल्ली के जैतपुर थाना इलाके में हुए डबल मर्डर की गुत्थी को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है और आरोपी पति जमशेद आलम को गिरफ्तार कर लिया है। बीते महीने 26 जून को जमशेद आलम ने अपनी दोनों पत्नियों की गला घोटकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर उसने ये खौफनाक कदम उठाया। हत्या करने के बाद जमशेद ने अपनी दोनों पत्नियों को कमरे में बंद करके फरार हो गया, जिसके बाद जैतपुर थाने की पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो शक की सुई आरोपी पति पर ही गई, क्योंकि वो मौके से फरार पाया गया था। इसको बाड़ा हिंदू राव इलाके से उसको आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया। और उसको जब पूछताछ किया गया तो पहले वो बहाना बनाता था, वो कह रहा था कि मैं 2 महीने पहले ही यहाँ पे नहीं था, जो कि तमाम बातें झूठ थी। लेकिन उसको जब सच्चाई के साथ कन्फ्रंट किया गया तो उसने कबूल किया कि उसने अपने ये दोनों जो महिलाओं की उसने हत्या किया है। और उसका वजह, उसका कहना है कि ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही थी और रोज़ उसके साथ भी लड़ते थे। तो घटना के दिन यानी 26 तारीख के दिन के करीब 11:30 बजे वो दोनों महिलाएं आपस में लड़ रही थी, तो ये बीच में उसमें इंटरवीन किया और करते हुए उसने एक महिला को उसने उसका गला घोंट करके उसको घोंट दिया। तो जब उसको पता चला, लगा कि वो मर गई है, तो दूसरे को भी उसने गवाही मिटाने के लिए दूसरे की भी उसने हत्या कर दी। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपी जमशेद आलम को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की इस गुत्थी को सुलझा लिया है। नवोदय टाइम्स के लिए आशुतोष कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली।